इस समय हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 21 में जलवायु विहार में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ नोएडा अथॉरिटी द्वारा नाला रिपेयरिंग का काम एक ठेकेदार को दिया गया था। ये काम काफ़ी दिनों से चल रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज सुबह 9 बजे यहाँ पर एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जिसमें 13 लोग इस घटना की चपेट में आ गए हैं, जिसमें 9 लोग घायल हो गया, 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। नाला रिपेयर का काम करते समय एक दीवार गिरी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। आप यहाँ मेरे सामने भी देख सकते हैं, दूसरी दीवार भी बहुत जर्जर स्थिति में नज़र आ रही है। पता नहीं ये कब हादसे का रूप ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता और किसको अपना शिकार बना ले। फिर भी यहाँ पर ना प्राधिकरण को इसका संज्ञान है, ना ही ठेकेदार यहाँ पर मौजूद है। ये बहुत ही जर्जर हालत में है, फिर भी यहाँ इसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर कुछ धरने के लिए कार्यकर्ता भी बैठे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आज घटना हुई है, उसके में लोग कुछ यहाँ धरने पर बैठे हैं। ये कुछ कांग्रेस के लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे साथ है कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम नागाजी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो घटना हुई है इसके बारे में? देखिए, आज हमारे नोएडा पे एक बहुत बड़ा दाग लगा है, हम लोग बहुत दुखी हैं। सबसे पहले कांग्रेस परिवार के हम लोग उन परिवारों के प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन परिवारों ने आज अपने 4 मजदूर भाइयों को खोया है। यहाँ पे सुबह ये लोग मजदूर काम कर रहे थे, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत और ठेकेदारों के मिली भगत के कारण भ्रष्टाचार जो प्राधिकरण में फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार का ये आज नतीजा है कि आज नोएडा के लिए बहुत काला दिन है। 4 मजदूरों की मौत हो गई, 9 मजदूर गंभीर अवस्था में घायल हैं और वो अस्पताल में दाखिल हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि नोएडा कांग्रेस के हम लोग कार्यकर्ता कि संबंधित जो ठेकेदार है, ये कोई मामूली घटना नहीं है, उस ठेकेदार के खिलाफ में 302 का मुकदमा दर्ज हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो और जो मजदूर भाइयों की मौत हुई है उनको प्रत्येक को 50 लाख का मुआवजा, आर्थिक मुआवजा, और जो घायल है उनको 20-20 लाख की आर्थिक मदद दी जाए। कांग्रेस पार्टी, आपने मुआवजे की बात की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया। जो मरा है उसमें 15 साल का बच्चा भी था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो माल मजदूरी कर रहा था जो कि अवैध है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, ये सब जाँच का बात है। ठेकेदार जो बाल मजदूरी करा रहा था, उसके खिलाफ में बाल मजदूरी विरोधी नियम के तहत भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो आपने बात की माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-4 लाख रुपए की जो ने घोषणा की है, आप बताइए कि नोएडा जैसे शहर में अगर एक आदमी यहाँ के अस्पताल में एडमिट हो जाए तो उसका 4 दिन का बिल ही 4 लाख रुपए बन जाता है, और यहाँ पे इन्होंने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया। इन्होंने उन मजदूर परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ये जो 4 लाख का मुआवजा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं यहाँ के स्थानीय सांसद और यहाँ के स्थानीय विधायक से पूछना चाहता हूँ कि वो लोग आए, मेरी मजदूर भाइयों से बात हो रही थी, वो आए और उन्होंने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख का मुकदमा मुआवजा हम लोग आपको देंगे। क्या प्राधिकरण जहाँ पे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो बोली लगाने के लिए यहाँ आए थे? तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये लोग किसी के दुख दर्द के समझने वाले नहीं हैं। हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं, सुबह से यहाँ हैं, तब तक की सारी हमारी मांगे यहाँ के प्रशासन और सबसे बड़ी बात नोएडा प्राधिकरण अगर अच्छे कामों का श्रेय अपने ऊपर लेता है और यहाँ की CO रितु महेश्वरी जी प्राधिकरण के अच्छे कामों का श्रेय लेती हैं, तो आज जो नोएडा पे ये काला धब्बा काला दाग लगा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। आपको जवाब देना होगा, मीडिया पे देना होगा, सोशल मीडिया पे देना होगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे डटा हुआ है। सर, अभी आपने नोएडा प्राधिकरण की बात की, उनके द्वारा ये काम कराया जा रहा है, लेकिन वो इस मामले में इन्वॉल्व थे, लेकिन अभी जो दीवार के कारण इतना भयानक हादसा हुआ है, इतने लोग मर चुके हैं और वहाँ सामने भी दीवार बहुत जर्जर हालत में, फिर भी यहाँ प्राधिकरण से कोई अधिकारी उसके लिए नहीं है कि उसको किया जाए, वो भी एक घटना का रूप ले सकती है, किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उसी का ही नतीजा है। जब किसी भी ठेकेदार को उसी मरम्मत का कार्य मिलता है तो उसके साथ साथ में उसके लिए उसके सेफ्टी पर्पस क्या, उसके सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए, उसको भी उसमें ध्यान रखना चाहिए। आप वहाँ जाके देखेंगे तो नाली में JCB चलाने का काम करा रहा था, वहाँ दीवार खड़ी हुई है बगल में, यहाँ पे JCB चला के ठेकेदार काम करा रहा है।
मजदूरों से। जब बार बार जेसीबी चल रही, दीवार हिल रही, ठेकेदारों ने उससे मजदूरों ने ठेकेदार से कहा कि दीवार हिल रही है, काम बंद कर दीजिए, लेकिन उसने काम जल्दी जल्दी खिंचवाने के चक्कर में उन चार मजदूरों की मौत का कारण वो ठेकेदार बना है। 9 मजदूर जो उसमें गंभीर रूप से दबे घायल हुए उनका जिम्मेदार ये ठेकेदार बना है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए, 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके साथ साथ नोएडा प्राधिकरण के उन अधिकारी जिन लोगों ने ऐसे लोगों को नोएडा प्राधिकरण में ठेका दिया उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।